डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर राकेश कुमार शर्मा की हत्या शराब की बोतलों के लालच में की गई थी। बोतलों के लिए युवक ने नशे की गोलियां राकेश शर्मा को दे दी थी। मात्रा अत्यधिक होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। हाल ही में उनका शव कंकरखेड़ा में लावारिस खड़ी कार से बरामद किया गया था। मौके के हालात देखते हुए उसी समय राकेश कुमार शर्मा की हत्या की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करते हुए इस कांड का खुलासा कर दिया है। गिरफ्तार युवक का नाम जुनैद है। वह दौराला का रहने वाला है, जबकि हाल में वह सरदाना क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस ने जुनैद के हवाले से बताया कि राकेश शर्मा सरधना स्थित दुकान से शराब लेने गए थे। नशे में देखकर जुनैद ने उन्हें लूटने का प्लान बना लिया। बातों में राकेश को नशे की गोलियां खिला दी गईं। मात्रा अत्यधिक होने के कारण उनकी मौत हो गई। कुछ दिनों पहले थाना कंकड़खेड़ा में एक कार में MIT के प्रोफेसर राकेश कुमार शर्मा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना जाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, और इसमें थाना पुलिस और SOG की थाना पुलिस और सर्विलांस की टीम के द्वारा तफ्तीश की गई। जो मामला संज्ञान में आया है कि उस समय एक अभियुक्त जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे पूछताछ के आधार पर मामला खुला है, जुनैद है, सरधना थाना क्षेत्र का रहने वाला है, सरधना में निवास करता है, दौराला का रहने वाला है। जुनैद जो ये नशे का लगातार आदि रहा है, इसने MIT के प्रोफेसर जो राकेश कुमार शर्मा थे, जो सरकारी ठेका था, लाइसेंसी ठेका था, वहाँ से कुछ शराब की बोतलें लाने गए थे, तो उसने नशे की हालत में देखकर इनके साथ लूटपाट की योजना बनाई, और इस संदर्भ में उनको पानी में कुछ नशे की गोलियाँ मिलाकर के उन्हें पिलाया, जिससे वो अचेतन की अवस्था में चले गए, और इसी दौरान अत्यधिक नशे की अवस्था में रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह इस घटना का खुलासा किया गया। पुलिस को ब्रेक थ्रू कैसे मिला इसमें? इसमें कुछ CCTV फुटेज नजर आए थे, जिसमें एक व्यक्ति जो अज्ञात व्यक्ति था वो उनकी कार में उनके साथ बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब हम लोगों ने सर्विलांस इन सब का सहारा लिया तो इस व्यक्ति से इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। बेसिकली वो उस दिन अचानक जुनैद ने देखा कि प्रोफेसर साहब थोड़े से नशे की अवस्था में हैं, तो उसने फायदा उठाने का सोचा, और इसी दौरान इस तरीके की कार्रवाई की गई। जी, थैंक यू सर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।